नॉर्थ कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में दो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस किए गए और इन दोनों ऑपरेशंस में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 24 दिसंबर को वनीगाम गांव में, जो कि क्रीरी पट्टन के इलाके में पड़ता है, वहां एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में 2 टेररिस्ट को मार गिराया गया था, जिसमें एक टेररिस्ट पाकिस्तान का रहने वाला था, अबरार, 2018 से एक्टिव था, और उसके साथ दूसरा लोकल टेररिस्ट आमिर सिराज था, सुपौर का रहने वाला, जो जून 2020 से एक्टिव था। कल शाम को नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास नूरा हॉस्पिटल के ऑपोजिट एचएमडी एरिया में स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि वहां पे कुछ टेररिस्ट ने पनाह ली है। उसके बाद आर्मी, जेकेपी और सीआरपीएफ द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जो पूरी रात चला, और आज 11:30 बजे जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो उसमें 3 टेररिस्ट जो हैं उनको मार गिराया गया। गौरतलब बात यह है कि इस इलाके में जो परिमपुरा का, नारबल का और बमीना का इलाका है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इनपुट्स आ रही थी कि टेररिस्ट किसी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं, और सभी इंटेलिजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर रही थी। और कल जब खबर आई तो उस बिल्डिंग को कॉर्डन किया गया। कॉर्डन करने के बाद टेररिस्ट को सरेंडर करने की अपील की गई। काफ़ी देर अपील करने के बाद एक टेररिस्ट बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश उसने की, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगा, जो अंदर उसके बाकी साथी थे उन्होंने फायर खोल दिया और ग्रेनेड्स सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ उन्होंने फेंके, और उसको उन्होंने वापस अंदर बुला लिया। रात होने के बाद ऑपरेशन को हमने सस्पेंड किया, कॉर्डन जो था उसको टाइटन करके इंटैक्ट रखा, और रात भर और सुबह फर्स्ट लाइट पर हमने फिर सरेंडर की अपील की। लेकिन जब भी हमने सरेंडर के लिए अपील की, अंदर से या तो उन्होंने उसका जवाब फायरिंग से दिया या लगातार ग्रेनेड फेंके, तो इससे जाहिर होता है कि वो सरेंडर करने वाले ताक में नहीं थे, और जो गोला बारूद उन्होंने पूरी रात यूज़ किया सिक्योरिटी फोर्सेज अगेंस्ट, वो इस बात को दर्शाता है कि वाकई में नेशनल हाईवे के पास वो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे। और उसके बाद जब दोनों तरफ से गोलाबारी हुई और इस कार्रवाई में 3 के 3 मारे गए। एज फार एज आइडेंटिटी ऑफ द स्लेन टेररिस्ट इज कंसर्न, एज यू आर अवेयर ऑपरेशन सिर्फ 11:30 बजे ख़त्म हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो कौन लोग थे, कौन किस तंजीम के थे, और जो भी डिटेल इसके बाद इमर्ज होंगी वो मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। मारा है उनकी भी पहले इस इलाके में उनकी खबर थी, तो संभव है कि ये वो मॉड्यूल हो जो दो ग्रुप में बटा हुआ था और जिनको हमने भी मार गिराया है। लेकिन इसकी जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है उसका जो भी सामने तथ्य आएंगे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सी श्रीनगर एक्ट करते हैं तो उनको वो बहुत प्रोपेगंडा और उसको बड़ी माइलेज इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, बड़ी पब्लिसिटी उनको मिलती है, तो इसके चलते उन्होंने कोशिश की है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितने भी ऐसे लोग सामने आए हैं श्रीनगर के आसपास,
सक्सेसफुल इनकाउंटर्स में उनको मार गिराया है। सर क्या फौज के साथ कोई इंजरीज है सर? पार्डन सर, कोई टेररिस्ट का एक्टिविटीज का सवाल है, ये लगातार उनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो भी उनके हैंडलर्स हैं लगातार कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने की कोशिशों में कोई कमी नहीं है। उन्होंने, अगर आपको याद हो, DDC इलेक्शन से पहले भी कोशिश की थी, DDC इलेक्शन के दौरान भी कोशिश की है, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी ग्रेड हमारा और सिक्योरिटी एजेंसी में जो तालमेल है वो इतना मजबूत है कि किसी इरादे में उनको हमने सफल होने नहीं दिया। अभी जो आने वाले समय में जो 26 जनवरी का दिन है वो भी महत्वपूर्ण है, ऐसे जो भी दिन होते हैं उस पर उनकी मंशा रहती है कि किसी ना किसी तरह का जो बड़ा आतंकी हमला उसको अंजाम दिया जाए। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि सारी सिक्योरिटी जो हमारा ग्रिड है, इंटेलिजेंस ग्रिड है, वो सक्षम है और किसी भी ऐसी प्रकार की जो कार्रवाई है उसको अंजाम होने में वो सफल नहीं होंगे। ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया है। जो ट्रैफिक कल हमने इस मेन हाईवे पे बंद किया था उसको भी धीरे धीरे करके खोल दिया गया है और जो नॉर्मल इस पे गुलमर्ग और बारामूला की तरफ जो ट्रैफिक है वो दोबारा भी शुरू हो जाएगा।